स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर स्केलेटल सिस्टम, है ना। हम लोग जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, और वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल है ये हमें बता होना चाहिए। तो स्केलेटल सिस्टम सबसे पहले चीज तो क्या होता है, पूरा बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क एंड एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, जो आपका बॉडी का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपके स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही होता है ना। हमारे सामने स्केलेटल सिस्टम है, ये पूरा आपका बॉडी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है, जो बोन्स होती हैं, और वही बोन्स धीरे धीरे टिश्यू से फिर ऑर्गन में आगे जाके आपका पूरे बॉडी को एक शेप दे देती है। तो फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम होगा, फर्स्ट एक तो हमने देखा कि इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है हमारी बॉडी को, सेकेंड शेप दे रही है, थर्ड होता है इसका लोकोमोशन, मूवमेंट कराने का। आपको आप देख रहे हो कि आपकी बॉडी में ये जो हैंड है, हैंड के पास सभी जॉइंट होते हैं, लेग्स के पास कुछ जॉइंट होते हैं, तो ये जॉइंट्स इट विल हेल्पफुल इन मूवमेंट। किसके लिए होगा ये, मूवमेंट के लिए। तो ये जॉइंट्स आपकी बॉडी में लोकोमोशन मूवमेंट के लिए, ये वाला पॉइंट जो है इसके लोकोमोशन के लिए या मूवमेंट के लिए ये पॉइंट हेल्पफुल रहता है। सेकेंड नेक्स्ट होता है आपकी बॉडी में बोन्स और क्या काम करते हैं, तो बोन्स आपके एंडोक्राइन सिस्टम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोन, हार्मोन किसके लिए करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है जो बोन रिलीज करती है ऑस्टियोकैल्सिन, क्या रहता है उसका नाम ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होगा आपके बोन मेरो में, प्लस आपकी बॉडी में आयरन ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का रोल ऑस्टियोकैल्सिन करता है। वो अलग बात है कि जो इसका मेजर रोल है वो ग्लूकोज का नहीं है, ग्लूकोज का मेजर रोल कौन अपटेक करता है, इंसुलिन या फिर ग्लूकोज अपटेक वाला जो हार्मोन्स रहेंगे इंसुलिन करेगा, और इंसुलिन उसका मेजर रोल करता है। लेकिन बोन का भी, बोन खुद इटसेल्फ में एक हार्मोन रिलीज करेगी, वो कहलाता है ऑस्टियोकैल्सिन। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए हमारी बोन, ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए, फंक्शंस हो गए कि बोन का ये फंक्शंस होते हैं, बोन ये वर्क करती है हमारी बॉडी में, प्लस आपको कैल्शियम का स्टोरेज, मिनरल्स का स्टोरेज, ये सारे ऐसे स्टोरेज हैं जो बोन अपनी उसमें करके रखती है, ताकि आपको ऐसे टाइम पे बोन का रिलीज करेगी जब आपकी बॉडी में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स या कैल्शियम्स की जरूरत पड़ती है, तो बोन्स उनको भी स्टोरेज करके रखती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम के। प्लस एक और मेजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना। मीन्स आपके बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ब्रेन, हार्ट, किडनी, है ना, लीवर, लंग्स, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्रेनियम जो बोन जो स्कल है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है, बोन को, ब्रेन को। ब्रेन का अगर आपके गुर्दे से आपके सिर में लग जाती है तो आपका ब्रेन का ऐसा नहीं कि जो डैमेज हो रहा है, आपके हार्ट में कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स, एसेंशियल ऑर्गन्स को क्या करके रख रहा है, सपोर्ट करके रखता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अवर स्केलेटल सिस्टम। अब हमको ये पता होना चाहिए हमारे स्केलेटल सिस्टम में कितनी टाइप्स की बोन होती हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं, और वो बोन्स के पेयर क्या होते हैं, कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। हमें ये सबको पता है कि जब बचपन में, छोटे में जब हमारा जो बच्चा रहता है उसमें बोन्स 300 मेजर की जाती है, 300 से मैक्सिमम भी बोन्स रहती है। तो 300 से फ्यूज होकर बोन्स किस पे कितने में आ जाती है, जब हम डेवलपमेंट से उसमें रहते हैं, एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए बोन्स 300 to 206, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 206, उतने तक फ्यूज हो जाती हैं, और फिर हम जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जाता है हमारा, तो हमारे पास बोन्स कितनी बचती है पूरी फ्यूज होके, 206। तो वही 206 आज हम काउंट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। अब हम देखेंगे कि जो बोन्स है उसको हमने किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और किस प्रकार वो बोन्स काउंट की जाती है आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले तो स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक होता है आपका एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक्सियल सिस्टम कौन सा होता है। तो जो एक्सियल है, एक्सियल जो पार्ट है, हम उस एक्सियल पार्ट को पूरा बोलते हैं, आपका स्कल आ जाएगा उसके अंदर, वर्टिब्रा आ जाएगा उसके अंदर, और ये रिब्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो वर्टिब्रा, स्कल और रिब्स, और प्लस ये एक और बोन है आपकी जो कहलाती है स्टर्टम। तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, एक्सियल पार्ट। क्या कहलाएगा, स्कल से लेके वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से लेके रिब्स, और यहाँ तक जो आपकी लास्ट वाली जो टेलबोन कहलाती है, ह्यूमन टेलबोन, वहां तक आपका एक्सियल पार्ट आता है। बीच
न्यूरोक्रेनियम और फेशियल बोन कहते हैं विस्ट्रोक्रेनियम। इस पूरे पार्ट को कहते हैं विस्ट्रोक्रेनियम। और हमारा जो स्कल है, जो हमारा स्कल है, ये स्कल बना हुआ है क्रेनियम से। इतना पार्ट आपका कहलाएगा क्रेनियम, तो इसको आप कहोगे न्यूरोक्रेनियम। और नीचे वाला जो फेशियल वाला पार्ट है, इसको आप कहोगे विस्ट्रोक्रेनियम। तो न्यूरोक्रेनियम में कितनी बोन्स होती है इंडिविजुअली? टोटल 8 बोन्स होती है। न्यूरोक्रेनियम जो स्कल वाला पार्ट बना हुआ है उसमें कितनी बोन्स होंगी? 8 बोन्स। विस्ट्रोक्रेनियम में बोन्स होती है, जो फेशियल वाला पार्ट है उसमें होती है आपके 14 बोन्स। टोटल कितनी बोन्स होंगी? 8 और 14। ठीक है, उसी के साथ आपके अलग फिर बोन डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्सर सिस्टम में। तो स्कल हमने देखा, स्कल में होगी 8 बोन्स, फेशियल में होगी 14 बोन्स। ईयर ऑसिस जो कि आपके साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो वाली जो बोन्स होंगी ईयर ऑसिस की, ईयर ऑसिस में वो बोन्स होती है 0-6 बोन्स। कितनी बोन होंगी ईयर ऑसिस में? 0-6 बोन्स। मींस यहां से जो बोन्स होंगी अंदर वो कहलाएंगी आपकी ईयर ऑसिस बोन्स। कौन सी बोन्स? ईयर ऑसिस। अब बात होती है कि थायरॉइड बोन कौन सी है। तो जो टंग से, जो टंग को अटैच करती है और आपके विंड पाइप के से जो अटैच होती है टंग से, तो वो वाली बोन कहलाएगी हायरॉइड बोन। कौन सी बोन? हायरॉइड बोन की एक बोन होती है। तो ईयर ऑसिस में 6 बोन, हायरॉइड बोन में 1 बोन। टोटल ये वाली बोन्स होंगी आपकी 29 बोन। अब एक्सियल बोन में टोटल बोन्स होती है 80 बोन। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो 80 बोन्स कितनी है, किस किस में प्रेजेंट है। तो अभी तक हमने फाइंड कर लिया कि 29 बोन्स होती है न्यूरोक्रेनियम में, 8 बोन्स विस्ट्रोक्रेनियम में, 14 बोन्स और ईयर ऑसिस में 0-6, थायरॉइड में 1। टोटल होंगी आपकी 29। अब बात आती है कि बाकी की जो बची हुई बोन्स हैं वो किस किस पार्ट में जाती है। तो अभी हमने देखा कि एक्सियल वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? ब्रेन, स्कल और आपके रिब्स और आपका वर्टेब्रा वाला। तो अभी हमने दो चीज फाइंड कर ली कि आपका जो क्रेनियम वाला पार्ट है स्कल, उसमें 8 बोन, फेशियल वाला जो पार्ट है उसमें 14 बोन, एक बची आपकी हायरॉइड बोन। नेक्स्ट होता है आपका वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम में अब हमें वर्टिकल कॉलम को देखना पड़ेगा कि वर्टिकल कॉलम में जब हम देखते हैं तो ये सबको विजिबल है। वर्टिकल कॉलम में आप देखते हो कि वर्टिकल कॉलम में ये जो पूरा पोर्शन है, ये बोन्स होती हैं सर्वाइकल बोन्स, आपकी थोरेसिक बोन्स, लंबर बोन्स और सैक्रम बोन्स और कॉक्सिजियल बोन्स। ये जो बोन्स हैं ये वर्टिकल कॉलम्स की बोन्स कहलाती हैं। इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया जैसे कि सर्वाइकल बोन्स। तो यहाँ से आप काउंट करोगे 1 से लेके 7 तक जो बोन होंगी वो C7 कहलाती है, सर्वाइकल बोन्स कहलाती है। कौन सी बोन कहलाएंगी? C7 सर्वाइकल, जो कि आपके स्कल को, आपके ब्रेन को अटैच करती है, ब्रेन से अटैच करती है। और ये सर्वाइकल बोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सारे नर्व्स के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए। तो सर्वाइकल बोन्स, जो सर्वाइकल बोन्स हो गई, उसके बाद नीचे आती है थोरेसिक बोन्स, जो आपके एक्सटर्नल जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका एक बोलते हैं कि जो हमारे जो हमारी जो कमर है, जो हमारी पीठ है, उसको जो एक इकट्ठा सीधा करके रखने वाली जो बोन्स कहलाती है वो कहलाती है थोरेसिक बोन्स। तो थोरेसिक बोन्स कितनी है? थोरेसिक बोन्स होती है 12 बोन्स, C7 T12। तो थोरेसिक कितनी हो गई? यहाँ से काउंट करोगे C7 के जस्ट बाद 12 बोन्स। कौन सी बोन्स? ये सबको बोन्स दिख रही है, ये कौन सी बोन्स कहलाएंगी? 12 बोन्स। 12 बोन्स की बात आती है आपकी लंबर बोन्स, जो आपके ये सारी बोन्स किससे किससे अटैच रहेंगी? जैसे कि सर्वाइकल बोन है, तो सर्वाइकल बोन आपके शोल्डर के ऊपर वाले हिस्से, नेक के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई दर्द है या कहीं पर भी हाथ में दर्द है, दैट मीन्स कि सर्वाइकल बोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। थोरेसिक बोन आपके पूरे इतना स्ट्रक्चर, जो आपकी पीठ का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरे डिस्ट्रीब्यूट है पूरी बॉडी में वहाँ तक। आपकी लंबर बोन आपके नीचे कमर से नीचे वाले हिस्से के लिए, मीन्स आपके लेग में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं आपके लंबर रीजन में, लंबर बोन्स में कुछ तकलीफ है। नेक्स्ट होता है आपका सैक्रम बोन्स। जो सैक्रम बोन्स कहलाती हैं, सैक्रम बोन्स एक्चुअली वैसे ये भी 5 थी, लेकिन ये क्या होती है, ये क्या हुई है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है तो ये फ्यूज होके एक में हो गई। तो सैक्रम एक हो गई, सेम आपकी कॉक्सिजियल जो है वो 4 थी, वो भी फ्यूज होके एक में हो गई। तो सैक्रम 1, कॉक्सिजियल 1, तो कितनी हो गई टोटल? 7, 12, 5, 1, 1। तो ये करके आपका पूरा एक वर्टिब्रल कॉलम बन गया। तो ये हमने देख ली कि वर्टिब्रल कॉलम की कितनी बोन्स होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की होती है टोटल 26 बोन्स। कितनी बोन्स हो गई? 26 बोन्स। अब बची, अब ये 26 कर लो और 25 कर लो टोटल, है ना। उसके बाद जो बोन्स
55. अब उसके बाद जो बोन्स बचती हैं हमारी, वो बोन्स बचती हैं कौन कौन सी? एक बचती है आपकी स्टनम की और बाकी बचती है आपकी रिब्स की. तो हमें जो दिख रहा है वो है रिब्स. ठीक है, अब बची हुई बोन्स पे एक बोन है वो आपकी है स्टनम बोन, जिसको कि हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं. कौन सी बोन कहते हैं? ब्रेस्ट बोन. तो ब्रेस्ट बोन हो गई ये वाली, और फिर बचती है आपकी रिब्स बोन. तो रिब्स जो है 12 पेयर में रहेंगी ये रिब्स बोन. इसको जब आप काउंट करोगे तो ये 12 पेयर में रहेंगी, तो ये टोटल बोन्स हो जाएंगी 24. दैट इज वी काउंटेड अवर होल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सियल बोन्स. हमारा एक्सियल बोन्स का होल स्ट्रक्चर जो है वो कितना काउंट हो गया है? 18. रिब स्टनम बची 1 और रिब्स बोन बची 24. तो क्या क्या पार्ट इसके अंदर कवर हो गया हमारा? हमारा पार्ट कवर हो गया क्रेनियम, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम. दैट मीन्स की न्यूरो न्यूरोक्रेनियम जो है वो आ गया आपका 8 बोन्स का. विस्ट्रोक्रेनियम जिसको हम फेस की बोन्स बोलते हैं, फेस बोन आ गया आपका 14 बोन्स, जिसको हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी बोन्स होती है. एक जो हम मेन मेन पार्ट है अभी वो कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट होता है आपका हाइलाइट बोन, जो कि आपके टंग को अटैच करती रहती है. फिर ईयर ऑसिस बोन, जो कि ईयर ऑसिस में 6 बोन होंगी. टोटल मिला के ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कितना हो गया? 29. और उसके बाद बचता है आपका वर्टिकल कॉलम. तो वर्टिकल कॉलम जो है वो हो गए 26, रिब्स हो गए 24, बची एक बोन स्टर्नम. तो ये पूरा आपका एक्सियल पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, ये हमारा एक्सियल पार्ट का होल स्ट्रक्चर 80 बोन्स हमने आज काउंट किया.